पश्चिम बंगाल व असम समेत 5 राज्यों में चुनाव एवं प्रदेश में 3 विधानसभा सीट के उपचुनाव नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है। ब्यावर उपखंड में भी पहली बार गुरुवार को पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए। हालांकि लॉकडाउन है, अधिकांश लोग घरों में है और वाहनों का उपयोग सीमित हो रहा है, फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमत तेजी पर है। पेट्रोल पंपों पर कतार लगी रहना आश्चर्य है। उपखंड में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 100.20 पैसा प्रति लीटर रही, वही डीजल करीब 93.39 पैसा प्रति लीटर हो गया था। 2 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद पेट्रोल तथा डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही है। जानकार बताते हैं कि एक बार में औसतन पेट्रोल 26 और डीजल पर 29 पैसे महंगा होता रहा है। एक साल में पेट्रोल 22.24 और डीजल 22.14 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। मालूम हो कि पिछले साल 1 मई को प्रदेश में पेट्रोल औसतन 76.86 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल 69.80 रुपये लीटर था। इसके बाद दामों में बढ़ोतरी शुरू हुई जो लगातार है। पहले जब पेट्रोल के दाम कम थे, लोगों का मानना था कि 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा तब खपत भी कम हो जाएगी। महंगा होने पर कम और बेहद जरूरत लोग ही भराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। दाम बढ़ गए और सख्त लॉकडाउन है, कई रोजगार बंद है, फिर भी सुबह पंपों पर बारी का इंतजार करना पड़ता है। लोग अब दामों की बढ़ोतरी का दबे मुंह स्वीकार भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकार का काम दाम बढ़ाने का है, लेकिन पेट्रोल भी अब जरूरी वस्तु है। घर से बाहर निकले तो वाहन चाहिए ही चाहिए।